हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिक्स्थ क्लास आईसीएसई केमिस्ट्री। सो हु इज़ दिस पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस? दिस इज जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। जॉन डाल्टन वॉज बोर्न ऑन 6 September 1766 इन इंग्लैंड। ही गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन in a rural school. His parents were too poor to support him any further, so at the age of 12 he took up a teaching job in a school. So iti thodi si primary education inki is gaon ke school mein hi hui thi, kafi gareeb family se tha, aur at the age of 12 teaching job shuru kar di thi isne school mein. लेटर ही बिकेम अ टीचर इन अ कॉलेज एट मैनचेस्टर। स्कूल में जॉब करने के बाद ये कॉलेज में टीचर भी लग गया, मैनचेस्टर कॉलेज में। हिज एकेडमिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वॉज वेरिड। ही स्टडीड लिटरेचर, मैथमेटिक्स, मेटीरियोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद वेदर एंड केमिस्ट्री। सो ये काफ़ी वेराइटी में पढ़ाई करते थे, काफ़ी वेराइटी में इनके अकेडमिक इंटरेस्ट थे। किस किस में? लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स में भी, मटेरियोलॉजी जो वेदर के साथ साइंस डील करती है, एंड केमिस्ट्री। इन 1800 ही लेफ्ट हिज जॉब एट द कॉलेज एंड बिकम द सेक्रेटरी ऑफ लिटरेरी एंड फिलोसफिकल सोसाइटी ऑफ मैनचेस्टर। 1800 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और एक सेक्रेटरी बन गए लिटरेरी एंड फिलोसफिकल सोसाइटी ऑफ मैनचेस्टर में। In 1817 he was elected the president of the society. He also become a fellow of the Royal Society. So 1817 में वो सोसाइटी के प्रेजिडेंट बन गए एंड एक फेलो भी बन गए रॉयल सोसाइटी के। He got interested in meteorological and maintained the weather record, temperature, humidity, etc. for many years. तो उनका काफ़ी इंटरेस्ट था मेट्रियोलॉजी में। उन्होंने काफ़ी सालों तक जो वेदर के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन किए फॉर मैनी ईयर्स। एट दैट टाइम देर वर नो एरोप्लेन्स, वेदर बैलून्स, सो ही क्लाइम्ड हिल्स टू टेक हिज ऑब्जर्वेशंस एट डिफरेंट हाइट्स। एट द एज ऑफ 27 ही पब्लिश्ड अ बुक। ओके, उस टाइम पे कोई हमारे पास वेदर बैलून्स या एरोप्लेन्स नहीं थे, वो क्लाइम करते थे, बहुत सारी हिल्स पे चढ़ते थे, वहाँ पे जाके डिफरेंट डिफरेंट अपनी रीडिंग्स, टेम्परेचर की रीडिंग, ह्यूमिडिटी की रीडिंग्स नोट करते थे। एट द एज ऑफ 27 उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की, मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड एसेज। सरप्राइजिंगली ही हैड अर्लियर पब्लिश्ड अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर टू, और इससे पहले उन्होंने एक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी बुक पब्लिश की थी। सो आप देख सकते हो कि क्या वैरायटी थी उनकी नॉलेज में, क्या वैरायटी थी उनकी इंटरेस्ट में। डाल्टन लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस बाय एडवांसिंग हिज एटॉमिक थ्योरी इन 1803। इन्होंने फाउंडेशन रखी थी हमारी मॉडर्न साइंस की, नॉट मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न साइंस की ही, जिसमें फिजिक, केमिस्ट्री सारा कुछ आ जाता है, बायोलॉजी। तो इन्होंने क्या किया था, जो एटॉमिक थ्योरी दी थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, सो वो इन्होंने डाल्टन ने दी थी 1803 में। सैलियंट फीचर, कुछ फीचर्स उसके हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो इन्होंने क्या बोला था, जो एटम्स है, जो कोई भी मैटर है या कोई भी एलिमेंट है, वो किस चीज़ का बना हुआ है, बहुत ही छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम्स। इंडिविजुअल मतलब जिन्हें फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। ओके, ये डाल्टन की थ्योरी है, इसलिए हमने सिर्फ ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि फर्दर आगे जाके हमें पता चल गया था कि एटम्स फर्दर किसी चीज़ के बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस। तो फिलहाल डाल्टन ने हमें यही बताया था कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, इन्हें फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। सेकंड पॉइंट, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ऑल अलाइक एंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। ये जो एटम्स हैं सारे एलिमेंट्स के एक जैसे होते हैं, सेम एलिमेंट के एक जैसे होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग होते हैं। यानी हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, अगर ऑक्सीजन की बात करें उसके सारे एटम्स हाइड्रोजन के एटम से अलग होंगे, बट ऑक्सीजन के आपस में सारे एटम्स सेम होंगे।
एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उन्हें ख़त्म किया जा सकता है. एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड कम्बाइंड टूगेदर देमसेल्व टू फॉर्म कंपाउंड. ओके, उन्होंने बताया डाल्टन ने कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो कैसे बनते हैं, जब एटम्स डिफरेंट काइंड के एटम्स, जैसे एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, एक ऑक्सीजन का ले लिया, अगर इन्हें कंबाइन कर दें तो हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा. एटम्स रीअरेंज देमसेल्व इन अ केमिकल रिएक्शन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स रीअरेंज होते हैं, यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बनते हैं आफ्टर द रिएक्शन. ही आल्सो गेव ए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये लॉ जो है केमिकल कॉम्बिनेशन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन का डाल्टन ने ही दिया था. डाल्टन स्टडी कंपोजिशन एंड प्रेशर ऑफ गैसेज इन मिक्सचर एंड गेव अ लॉ. उन्होंने कंपोजिशन होता है कि गैसेस में क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से मटेरियल किस किस चीज़ की गैसेस में प्रेजेंट है, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है. उन्होंने स्टडी कंपोजिशन को स्टडी किया, प्रेशर को स्टडी किया मिक्सचर्स के साथ, यानी अलग अलग गैसेस को मिक्स करके, फिर एक लॉ भी दिया. जिसे हम कहते हैं डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. यू विल स्टडी दिस लॉ इन हायर क्लासेस. सो उस जो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के प्रोपोर्शन लिए, कंपोजिशन लिए, प्रेशर पे चेक किया, उसे क्या कहा, उन्होंने नेम दिया डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. ही आल्सो एडवांस्ड अ थ्योरी ऑन कलर ब्लाइंडनेस फ्रॉम विच वन विच ही एंड हिज ब्रदर सफर्ड. तो उन्होंने एक और थ्योरी भी दी कलर ब्राइटनेस के ऊपर, जिन्हें कलर डिफ्रेंशिएट नहीं करना आता, जिन्हें सिर्फ दो तीन कलर ही दिखाई देते हैं, बाकी कलर्स उन्हें नहीं दिखाई देते. तो ये खुद भी इस कलर ब्राइटनेस से सफ़र कर रहे थे, उनके ब्रदर भी. ही पब्लिश द लार्ज नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स. हिज बुक एंटाइटल्ड न्यू सिस्टम्स ऑफ केमिकल फिलोसफी लिस्ट 20 एलिमेंट्स एंड 17 मॉलिक्यूल्स. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स, रिसर्च पेपर्स बेसिकली, रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं जब कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता है, अगर उसे लगता है कि यस ये रिसर्च अच्छी है और दुनिया को दिखानी चाहिए, तो वो उसे पब्लिश करता है. वो पब्लिश कहाँ पे करता है, रिसर्च जर्नल्स में, और जो चीज़ वो अपने पेपर में लिखता है उसे कहते हैं रिसर्च पेपर. और दुनिया में बहुत सारे जर्नल्स हैं, तो इन्होंने भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अपने पब्लिश किए थे. उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसमें उन्होंने 20 एलिमेंट्स एंड 17 मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया. डाल्टन रिमेंड अनमैरिड थ्रू आउट हिज लाइफ. अनफॉर्चुनेटली ही सफर्ड 3 स्ट्रोक्स बिटवीन 1837 एंड 1844. ही डाइड ऑन 27 जुलाई 1844. मोर देन 40,000 पीपल केम टू मैनचेस्टर टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट टू डिपार्टेड जीनियस. ओके, तो सारी लाइफ ये अनमैरिड ही रहे. इन्हें काफ़ी स्ट्रोक्स आए, 3 स्ट्रोक्स आए, और इनकी डेथ हो गई 1844 में. जब इनकी डेथ हुई तो मोर देन 40,000 लोग आए थे मैनचेस्टर इन्हें अपनी ट्रिब्यूट्स पे करने. ओके, नेक्स्ट जीनियस इज डिमिट्री मेंडलीव. डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव वाज बोर्न इन अ विलेज इन साइबेरिया. साइबेरिया इज अ पार्ट ऑफ रशिया. ऑन 18th February 1834 ही वेंट टू स्कूल नियर हिज विलेज इटसेल्फ. लेटर ही गॉट एडमिटेड टू सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड एट द एज ऑफ 20. तो इनका बर्थ हुआ था 1834 में, तो वो अपने आप ही इन्होंने विलेज के स्कूल में जाना शुरू कर दिया. उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, जहाँ से ये 20 ईयर्स की एज में ग्रेजुएट हुए थे. व्हेन ही वाज 30 ही बिकेम अ प्रोफेसर एट सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी. जब वो 30 ईयर्स के हो गए तो वहाँ पे इसी यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर बन गए. ऑब्टेन्ड हिज डीएससी डिग्री. ओके, वहाँ से उन्हें डीएससी डिग्री भी ऑब्टेन की. Within a short time, St. Petersburg's become an internationally known center for chemical research
मेंडलीव्स फीस्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज केमिस्ट्री फिजिक्स एंड जियोलॉजी। जो सेंट पीटर्सबर्ग था ये इंटरनेशनली नोन अब क्या बन गया था, सेंटर बन गया था केमिकल रिसर्च का। तो मेंडलीव के इंटरेस्ट भी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड जियोलॉजी ही थे। सो ही आल्सो मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स एज वेल एज जियोलॉजी। ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने काफ़ी अपने अच्छे काम किए फिजिक्स एंड जियोलॉजी में, पर उनकी जो सबसे सक्सेसफुल रहा उनका काम वो था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एज मोर एंड मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड ही इट बिकम एसेंशियल फॉर साइंटिस्ट टू क्लासीफाई दैम। बाई 1863 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन हैड राइजन टू 56। 1863 तक ये जो नॉन एलिमेंट्स थे कितने हो गए थे, 56। मैनी अटैम्प्ट वर मेड बाई डिफरेंट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई दैम। बहुत सारे अटैम्प्ट डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अटैम्प्ट किए थे टू क्लासीफाई दैम, बट विद लिटल सक्सेस। बट उनकी सक्सेस इतनी अच्छी नहीं थी। इन 1869 मेंडलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो 1869 में मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया, सो दैट लॉ वी विल डिस्कस इन द लेटर क्लासेस। एंड ही क्लासीफाइड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। सो जो भी इसने मेंडलीव ने लॉ दिया था, तो इसके बेसिस पे उन्होंने अपने जो क्लासिफिकेशन है शुरू कर दी थी एलिमेंट्स की। ही प्रेजेंटेड अ टेबल कॉल्ड पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स विच ही हिमसेल्फ रिवाइज्ड इन 1871। इन्होंने एक दिया, एक पीरियोडिक टेबल बना के दिया, उसके बाद उसको ठीक करके रिवाइज करके दोबारा से दिया 1871 में। ही ब्रॉट सिमिलर एटम टुगेदर इन अ कॉलम कॉल्ड ग्रुप एंड ही केप्ट सिमिलर एटम्स अपार्ट दैट इज इन अ डिफरेंट ग्रुप। तो उन्होंने क्या किया था, कॉलम यानी टॉप से बॉटम की लाइनें बना दी थी, सेम लाइन में सिमिलर एटम्स सारे के सारे सिमिलर एटम्स डाल दिए थे और डिसिमिलर एटम्स दूसरी दूसरी ग्रुप में थे। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नो शोन हेयर इन विच यू विल फाइंड दैट एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड इन टू 18 ग्रुप। हिज टेबल ऑल्सो हेल्प्ड हिम टू प्रिडिक्ट एग्जिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स टूडे नेम्ड स्कैंडियम गैलियम एंड जर्मेनियम। ओके, इन्होंने जो अपना द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज शोन, ओके आपके यहाँ पे बुक में मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी शोन है, उसमें एलिमेंट्स 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जो मेंडलीव का था पीरियोडिक टेबल, उसका क्या बेनिफिट था, उन्होंने उस टाइम 3 प्रिडिक्ट कर दिए थे एलिमेंट्स टुडे, जिनके उन्होंने जो बताए थे ना कि ये एलिमेंट्स आएंगे या थोड़े दिनों बाद डिस्कवर हो जाएंगे, आज की डेट में उनके नाम क्या हैं, स्कैंडियम गैलियम एंड जर्मेनियम, ये मेंडलीव ने पहले ही बता दिए थे। मेंडलीव स्टडी द ओरिजिन एंड कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम एंड अंडरग्राउंड डिपॉजिट फ्रॉम विच ही वी गोट पेट्रोल। ही स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट पेट्रोलियम शुड बी यूज टू ऑब्टेन केमिकल्स रेदर दैन फॉर बर्निंग। ही हेल्प एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन रशिया। तो मेंडलीव ने ओरिजिन पेट्रोलियम का, कहाँ से पेट्रोलियम बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, मेंडलीव ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि पेट्रोलियम को बर्न नहीं करना चाहिए, रैदर हमें उनसे केमिकल्स बनाने चाहिए। ही आल्सो स्टडीड हाउ लिक्विड्स एक्सपेंड व्हेन हीटेड गेव लॉज गवर्निंग देयर बिहेवियर। मेंडलीव इंट्रोड्यूस द मेट्रिक सिस्टम इन रशियन एम्पायर। उन्होंने कुछ लॉज भी दिए कि लिक्विड, जब लिक्विड को हीट करो तो कैसे एक्सपेंड होते हैं। मेंडलीव ने मेट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया रशियन एम्पायर में। He was one of the founder of Russian Chemical Society. He was awarded the Davy Davy Medal and the later Copley Medal by Royal Society of London. Okay, इन्हें काफ़ी medals भी मिले। He was also elected a foreign member ऑफ रॉयल सोसाइटी। तो इन्हें एक फॉरेन मेंबर भी बनाया था रॉयल सोसाइटी का। ही ऑनर इन ऑनर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री द केमिक एलिमेंट नाउ प्लेस्ड इन 101st हाउस ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नेम्ड मेंडलीवियम।
इनके नेम पे एक एलिमेंट भी रखा गया है। सो कौन सा एलिमेंट जो 101 हाउस में है पीरियोडिक टेबल के? ये जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का थोड़ा सा इससे अलग था। तो ये आप देख सकते हो इसकी पिक्चर पीरियोडिक टेबल की, ये आपकी बुक में भी दी हुई है। ओके स्टूडेंट, विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।